जय गुरु गोरक्षनाथ। क्या आपके पति आपसे दूर रहते हैं? क्या वो दूसरी स्त्री के चक्कर में हैं या वैश्या के घर जाते हैं? क्या आपके पति नाजायज झगड़ा करते हैं, घर पे मारपीट करते हैं या दारू पी पी कर घर का सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं, इत्यादि इत्यादि। अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो आप इन उपायों का, आप इन टोटकों का अवश्य पालन करें। इन उपायों को जरूर अपनाएं ताकि आप इन समस्याओं से 100% निजात पा सकें। जी हाँ, अगर आप इन उपायों को अपनाएंगी तो आप अवश्य अपने पति की नज़रों में दोबारा पुनः आकर्षक बन जाएंगी। जी हाँ, क्या करें, कैसे करें, देखते रहिए ये वीडियो। ये उपाय बड़े ही सरल और सात्विक है। आप इनको घर पे बड़ी आसानी से कर सकती हैं, लेकिन इनका प्रभाव बिल्कुल अचूक और परमानेंट है। जी हाँ, तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जब भी खाना खाएं, आपके पति जब भी खाना खाएं तो उन्हें उनका जो खाना शुरू होता है तो पहला निवाला आप अपने हाथ से उन्हें खिलाएंगी। जी हाँ, पहला निवाला आप उन्हें अपने हाथ से खिलाएंगे। अगर आप पूरा खाना उन्हें अपने हाथ से नहीं खिला सकती तो कम से कम एक निवाला आप ज़रूर खिलाएं। और साथ में जब वो कम से कम 2-4 निवाले खा चुके हों या खाने के बीच में हों तो खुद भी उनके हाथ से एक निवाला ज़रूर खाएं। ये क्रिया आप दिन में किसी एक खाने में अवश्य करें। ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों समय का खाना इसी तरह खाएं, लेकिन तीनों में से एक समय के खाने में ऐसा अवश्य करेंगे और एक निवाला आपके पति अपने हाथ से आपको खिला दें खाने के बीच में या खाने के अंत में, तो ये क्रिया आपकी पूर्ण होगी। लेकिन ये क्रिया ज़रूर करें और ये लगभग 30 या 40 दिन तक अवश्य करें। इसी में आपको फ़र्क दिखाई देगा, बहुत ही चेंज दिखाई देगा आपके पति के व्यवहार में। इसे आप 40 दिन तक लगातार करें और फिर देखिए इसका ज़बरदस्त प्रभाव। ये क्रिया आपके पति के विचारों को, उसके रहन सहन को, उसकी सोच को बदल के रख देगी, जो उसकी सोच आपके प्रति है। और आप उनके मन में, दिलो दिमाग में आपकी छवि फिर से बसती चली जाएगी और दूसरी जो औरत है, जो कोई भी है, उससे वो दूर रखते चले जाएंगे। दूसरी प्रक्रिया में ध्यान दें, जब आपके पति कोई भी घर पे हो, कोई भी कार्य करें आगे पीछे, जब आप उनके बैक में हो तो उनकी जो गर्दन होती है, पिछली साइड गर्दन से ऊपर जो उभरा हुआ हिस्सा होता है सिक्का, उन पर आप अपनी नज़रें गड़ाएं और उन्हें सही मार्गदर्शित करें। यानी कि अगर आपके पति बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं तो आप मन ही मन गहनता के साथ ये कहेंगे कि आप दारू बिल्कुल छोड़ दें, इससे आपके शरीर का नाश हो रहा है, आपके परिवार का सत्यानाश हो रहा है, आपके बाल बच्चों को बहुत ही परेशानी हो रही है, आप दारू जल्द से जल्द छोड़ दें। इस तरह के विचार गहनता के साथ पुनरावृत करें अपने मन ही मन में, लेकिन आपकी नज़रें गड़ी रहेंगी आपके पति के सिर के पिछले हिस्से पर, गर्दन से जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उभरा हुआ, वहाँ पर। ये सूचना आपको निरंतर प्रेषित करनी है अपने पति के दिमाग पर। जी हाँ, नज़रें गड़ी रहेंगी दिमाग पर, यानी कि उसके सिर पर, और आप ये सूचनाएँ प्रेषित करते रहेंगे। इस तरह ध्यान रहे, एक समय में एक ही सूचना प्रेषित करनी है। जब वो सूचना यानी कि वो आपकी इच्छा फलीभूत हो जाए तब आप दूसरी इच्छा को प्रेषित करेंगे। यानी कि एक बार एक इच्छा प्रेषित कर रही है, साथ ही साथ आप देखते देखते दूसरी इच्छा प्रेषित करिए। जी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। पहले एक ही इच्छा पर गहनता से विचार करें, यानी कि अपना पूरा ध्यान एक ही इच्छा पर लगाएं, दूसरी इच्छा को
स्थान बिल्कुल ना दें। जब आपकी वो इच्छा एक इच्छा फलीभूत हो जाए तब आप दूसरी इच्छा को इस तरह अपने पति के माइंड पर प्रेषित कर सकती हैं, डिलीवर कर सकती हैं। ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, इसमें बहुत ही पावर है इस उपाय में, वो बिल्कुल ही सेफ है। इससे कोई भी नुकसान ना तो आपको होगा ना आपके पति को होगा, लेकिन फायदा ही फायदा होगा। तीसरे चरण में आप एक काम ध्यान देके करें, 7 लौंग लें, उनको अपनी काक में या अपने पसीने से भिगो लें, उसके बाद उसको छांव में सुखा लें और उनको अच्छी तरह पीस लें। इनको पीस कर जो उनका चूर्ण मिला है उसमें से बिल्कुल आधा या 1 ग्राम ही काफ़ी है, उनको चाय में या भोजन में ज़रूर खिलाएं। इससे भी आपके पति आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे और अपनी गलत आदतों को छोड़ना शुरू कर देंगे। ये सारे उपाय बड़े ही पावरफुल है, आप इनमें से किसी एक उपाय को अपनाकर अपना कार्य सिद्ध कर सकती हैं। अगर आपके पति वाकई में आपसे दूर जाते जा रहे हैं, वेश्या के चक्कर में पड़े हुए हैं, या फिर गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं घर में आपके साथ, दारू की आदत पड़ी हुई है या किसी और नशे की लत पड़ गई है, तो आप ये उपाय ज़रूर करें और अपना भला, अपने परिवार का भला ज़रूर करें। तो ये देखा आपने कि किस तरह बिल्कुल सरल और सात्विक उपायों के जरिए आप अपने पति को अपनी तरफ आसानी से आकर्षित कर सकती हैं और उसे गंदी आदतों से दूर ले जा सकती हैं, उनकी गंदी आदतों से छुटकारा दिला सकती हैं और अपने परिवार को ऊपर ले जा सकती है, उनका भला कर सकती हैं, संपन्न कर सकती है, अपने परिवार का विकास कर सकती हैं। तो आपके परिवार का विकास हो, संपन्नता आपके घर में बढ़े, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय गुरु गोरखनाथ।